Assalamualaikum as viewers. My name is Dhan Chima. Welcome back with another video. This video is about Sialkot Motorway City. इस वीडियो में आपको मैं सियालकोट मोटरवे सिटी के हवाले से जो तीन चीजें एक्सप्लेन करूँगा नंबर वन इज़ के वट इज़ द लोकेशन ऑफ सियालकोट मोटरवे सिटी नंबर टू हु इज़ द डेवलपर ऑफ सियालकोट मोटरवे सिटी एंड नंबर थ्री वट आर द प्राइस बीन ऑफर्ड इन सियालकोट मोटरवे सिटी ये तीन पॉइंट्स होंगे जिस पे जिसकी बेस पे जब भी आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करें रियल स्टेट में इन्वेस्ट करें तो ये तीन कोर पॉइंट्स होते हैं कि पहला नंबर वन के लोकेशन कहाँ पे है नंबर टू के उसकी जो टोटल लैंड है उसका डेवलपर कौन है एंड नंबर थ्री कि वहाँ पर प्राइस के ऑफर की जा रही हैं इसके अलावा आता है लीगल स्टेटस किसमें एन है या नहीं है उसके अलावा लैंड कितनी है लैंड प्रक्योर्ड है या नहीं है ये सारी चीजें साइड पॉइंट्स हैं लेकिन सबसे जो कोर पॉइंट है वो तीन चीजें हैं लोकेशन डेवलपर एंड प्राइस इसी की बेस पर का सोचते हैं कंसिडर करते हैं ये तीन पॉइंट्स होते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं सियालकोट मोटरवे सिटी की लोकेशन के हवाले से कि सियालकोट मोटरवे सिटी की लोकेशन जो है वो कहां फॉल करती है उसका नियर बाय जो बायिसिस हैं उनसे डिस्टेंस कितना है सियालकोट मोटरवे सिटी की अगर बात की जाए तो सियालकोट मोटरवे सिटी एम इलेवन मोटरवे लाहौर सियालकोट मोटरवे से बिल्कुल एडजस्टन वजीराबाद रोड पर फ्रंट है इस पर वाक है और जैसे ही आप इंटरचेंज से उतरते हैं और राइट साइड पे आपके बल्कि इंटरचेंज के जैसे टोल प्लाजा क्रॉस करते हैं यानी कि आप टोल पे करने के बाद जैसे सियालकोट में एंटर होते हैं तो आपके राइट साइड पर जितनी लैंड आती है जितनी प्रेमिस आती है सियालकोट मोटरवे सिटी की लैंड है तो ये लोकेशन के हवाले से इससे ज्यादा फेवरेट प्रोजेक्ट सियालकोट के डोमेन में आपको नहीं मिल सकता उसकी रीजन ये है कि आपको सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ कहलाती है वो होती है एक्सेस कि आपने नियर बाय सिटी में अगर कम्यूट करना हो तो आपका उसमें एक्सेस कितना आसान है आपने सेंटर सिटी या डाउनटाउन में जाना हो तो उसमें कम्यूट कितना आसान है आपने जो नियर बाय जितनी फैसिलिटीज हैं या अम्यूनिटीज हैं उनको एक्सेस करना हो तो आपके लिए कम्यूट जो है वो कितना ईजी है तो उस हवाले से सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट लोकेशन बनता है तो लोकेशन की बात की जाए तो मैंने पहले स्टार्ट में बता दिया आपको कि लोकेशन सियालकोट सयालकोट मोटरवेसिटी की मोटरवे से एडजस्टेंट है बाकी मैं आगे आपको गूगल और लोकेशन पर चीज़ें एक्सप्लेन करता हूं ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके कि सियालकोट मोटरवे सिटी एक्चुअली फॉल कहाँ पर करता है बाकी इसका जो लीगल स्टेटस है इसका डेवलपर है, है इसकी प्राइसिस हैं इसमें जो करंट ओन है वो तमाम चीजें आपको में वीडियो में आगे जाकर एक्सप्लेन कर दूंगा तो सबसे सब पहले देखते हैं कि लोकेशन वाइज सियालकोट मोटरवे सिटी कहाँ फॉल करता है इस सब अपनी स्क्रीन पे गूगल लोकेशन देख सकते हैं गूगल लोकेशन में सियालकोट मोटरवे सिटी की एक्जैक्ट लोकेशन बनती है वो बनती है ये वाला पॉइंट ये सियालकोट मोटरवे है लाहौर सियालकोट मोटरवे एम इलेवन मोटर जहाँ पे आपको इसकी गूगल पे से देखना चाहें तो आपको बड़ी अच्छी विजिबिलिटी मिल जाएगी अगर हम बात करें जी इसकी चार साइड की नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ की तो पहले बात करते हैं जी नॉर्थ साइड की ऊपर वाली साइड की बात करें तो इसकी बात है वजीराबाद रोड वजीराबाद रोड, रोड है बेसिकली कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है बिटवीन अ तहसील एंड, एंड अ सियालकोट सिटी तो दोनों के दरमियान जो एक वाहिद कम्यूट का वाहिद रास्ता है वो वजीराबाद रोड है तो फ्रंट साइड पर इसकी वजीराबाद रोड है सियालकोट मोटरवर सिटी का जो फ्रंट बनता है वो बनता है इस पॉइंट पर यानी ये जो फ्रंट पॉइंट बनता है ये इसकी चार साइड बनती है नॉर्थ साइड पर बनता है इसके आपके वजीराबाद रोड ईस्ट साइड पर अगर देखें तो आपको प्रॉपरली एक कैनाल मिलती है जिसका नाम है मराला रावी लिंक कनाल अब ये मराला रावी ये हेड हेडमराला कह लें हेड मराला कनाल यहाँ से गुजरती है और इसके अलावा वेस्ट साइड पर देखें तो आपका आता है सियालकोट लाहौर मोटरवे जो कि कम्यूट के लिहाज से मैंने वीडियो के स्टार्ट में बात की थी कि जो आपकी प्रॉपर्टी है जहाँ भी आप रियल इस्टेट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो जो सबसे पहली चीज़ आपको कंसिडर करनी चाहिए ना वो है कि आपका कम्यूट उस पॉइंट से कितना आसान है नियर बाय सिटीज़ के लिए तो सिटीज़ का कम्यूट जो है वो उसके लिहाज से देखा जाए तो सियालकोट मोटरवे बिल्कुल एडजस्टेंड है यानी अगर आप सियालकोट मोटरवे सिटी से गुजर रहे हैं टॉल प्लाजा क्रॉस करते हैं तो राइट साइड आपको पूरी सियालकोट की सियालकोट मोटरवे सिटी की प्रेमिस नज़र आएंगे तो ये इसकी लोकेशन के लिहाज से सबसे अच्छा पॉइंट है अगर हम बात करें जी इसके साउथ साइड पर बैक साइड पर तो बैक साइड पर लैंड जो अभी खाली है और उसके काफी पीछे जाके यहाँ पे एक गाँव आता है सहो वाला इसके अलावा बाकी जो चार साइड्स हैं उसमें ये अमीर कहते हैं इसके नियर बाई प्रेमिस डिस्टेंस यानी कि आपने सिर्फ सियालकोट से लाहौर या फैसलाबाद आबाद या सिर्फ तो नहीं जाना यानी मोटरवे हर वक्त इस्तेमाल नहीं करनी आपका जो डेली बेस पर कम्यूट है वो आपका होता है सियालकोट कंटोनमेंट के साथ साथलोट कैंट के साथ समल के साथ तो जो नियर बाई प्रीमिस बनती हैं उनके साथ जो आप बनते, है, बनते हैं मैं उसकी लाइन ड्रा कर लेता कि आपको ओवरऑल डिस्टेंस का हो जाए कितना डिस्टेंस बनता है अब ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है तो स्टार्टिंग से अगर आप मैयर करते हैं टुवर्ड्स ट्यालकोट कैंट तो आपका डिस्टेंस टोटल जो आपकी सॉरी मैं पाथ ड्रा करता हूं ये जो आपका डिस्टेंस बनता है ये स्टार्टिंग पॉइंट है इस पॉइंट से अगर आप आगे डिस्टेंस मैयर करते हैं टुवर्ड्स टूवर्सलकोट कंटोनमेंट तो आपका डिस्टेंस जो टोटल एक्यूरेट डिस्टेंस आता है दैट इज़ फिफ्टीन पॉइंट वन थ्री किलोमीटर्स ये मैं बात करूँ अगर आप सियालकोट मरीद के रोड से जाते हैं वजीराबाद रोड से जाते हैं आप कश्मीर रोड पर कश्मीर रोड पर जाते हैं सियालकोट कैंट में तो ये फिफ्टीन किलोमीटर का डिस्टेंस है जो एवरी टाइम आपको दस से बारह मिनट का रिक्वायर्ड है इस पॉइंट तक पहुँचने के लिए सेकेंड आता है कि सियालकोट सिटी से डिस्टेंस कितना बनता है ये सियालकोट मोटरवे सिटी की लोकेशन है और इसी रोड से आप आगे उगे की रोड से अब जीराबाद से उग की रोड और वहाँ से डायरेक्टली सियालकोट की तरफ जाते हैं तो सियालकोट की प्रीमिस जो स्टार्ट होती हैं वो 9.35 किलोमीटर के डिस्टेंस पर सियालकोट की प्रीमेसिस एक्यूरेटली गूगल अर्थ लोकेशन के मुताबिक स्टार्ट हो जाती हैं अब दूसरी साइड रहता है कि इसके ऑपोजिट साइड पर समडयाल है समडयाल से डिस्टेंस कितना बनता है तो ये सियालकोट मोटोरा सिटी की एग्जैक्ट लोकेशन है ये यमिलन मोटर ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट आ गया इस तरफ से हार्डली आपका डिस्टेंस 3.99 किलोमीटर तकरीबन चार किलोमीटर के डिस्टेंस पे आप समडया में एक्सेस ले सकते हैं तो ये ओवरऑल होगी लोकेशन की बात चार साइड्स मैंने पहले बता दी आपको कि इसके नॉर्थ साइड पे क्या बनता है इसकी लोकेशन कैंट से कितनी बनती है सिटी से कितनी बनती है एग्जैक्ट सिटी से डिस्टेंस जो है वो दैट इज नाइन किलोमीटर अगर सियालकोट कैंट से बात करें तो फिफ्टीन किलोमीटर डिस्टेंस और समडयाल से बात करें तो थ्री किलोमीटर का डिस्टेंस जो है आपका ओवरऑल बनता है सियालकोट मोटरवे सिटी से बाकी इसकी अच्छी बात जो है इस पूरे प्रोजेक्ट की वो ये है के चारों साइड्स की बड़े अच्छे तरीके से बड़ी लेवल ज़मीन है तो सियालकोट मोटर सिटी में यही रीज़न है कि आने वाले दिनों में आपको बहुत अच्छे प्रॉफिट बहुत अच्छी चीज़ें नज़र आएंगी रीज़न ये कि जैसे प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ तो बड़े लिमिटेड स्केल पर लॉन्च हुआ विद प्रॉपर एन यानी प्रॉपर एन ओ सी ये है कि सियालकोट मोटर सिटी में टोटल जो ज़मीन है नीशली फिफ्टीन हंड्रेड कनाल का प्रोजेक्ट है और चार प्लॉट टोटल जो है इनिशियल बेस पर निकाले गए हैं जो तमाम के तमाम प्लॉट आज आपको मार्केट में पाँच से छः लाख सात लाख प्रॉफिट पर अवेलेबल हैं वैसे ये प्लॉट अवेलेबल नहीं है वैसे मैं प्राइसिस वाली बात एंड पे कर दूंगा वैसे आमतौर साढ़े आठ लाख मरला पर मरला रेट है सिटी में और इस पे जो प्रॉफिट है ओवरऑल प्लॉट के प्रॉफिट पांच मरला आठ मरला दस मरला और एक नाल के प्लॉट्स ऑफर किए जा रहे हैं और इन पे जो प्रॉफिट्स हैं वो पांच से लेकर सात लाख साढ़े सात लाख रुपए के, के दरमियान आज आपको मार्केट से मिलते हैं बाकी चीजें मैं आपको साइड की आगे वीडियो एक्सप्लेन करता हूं तो उसमें तमाम डिटेल्स आगे एक्सप्लेन कर दूंगा अगेन बैक ट्वेल्व टाइम फुटेज और इस वक्त स्क्रीन पे दोबारा मोटरवे सिटी की जो एक्यूरेट लोकेशन है वो देख सकते हैं और अब जो स्क्रीन पे फुटेज देख रहे हैं ये सालकोट मोटरवे की फुटेज है और पीछे आपको टॉल प्लाजा भी नजर आ रहा होगा जो आपको अंडर पास नजर आ रहा है ये सालकोट मोटरवे के नीचे से गुजरा हुआ दूसरी साइड को कनेक्ट करता है अब इसमें ओवरऑल लैंड की मैंने बात कर दी कि लोकेशन के लिहाज से कहा बनता है सेकेंड पॉइंट इसके डिवेलपर कौन है इसका यानी कि जो भी आपने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करनी है आपके पैसे जिस इंडिविजुअल या जिस कंपनी की जेब में जाना है वो एंटिटी कौन सी है उस हवाले से एक्सप्लेन करता हूँ दिस प्रोजेक्ट इज बिंग डिवेल्प बाई टेक्नो डेवलपर्स और टेक्नो डिवेलपर्स ने एक दूसरी जो उनकी सब्सिडिस्ट्री कंपनी है नाम है मास डेवलपर्स उस प्रोजेक्ट को टेकओवर किया और इस प्रोजेक्ट को एज सुन एज पॉसिबल कहा जा रहा है कि पहले छह महीने में यहां हैंडओवर होना शुरू हो जाएगा रेजिडेंशियल प्लॉट्स का किसी भी सोसाइटी का जब प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है तो किसी भी सोसाइटी के लिए पॉसिबल नहीं होता कि छः महीने के अंदर अंदर वहाँ पर आप पोजेशन ऑफर कर सकें बेशक लिमिटेड क्वान्टिटी भी कर सकें बट पोजेशन ऑफर कर सकें बट चूंकि टेक्नो ग्रुप एक ग्रुप है तो उन्होंने पास्ट में बहुत ज़्यादा डिलीवर किया हुआ तो है तो इसलिए उनका एक रिकॉर्ड है तो उन्होंने इसको परफॉर्म करने में मेरा नहीं ख्याल कि छः महीने की टाइम उनके लिए कुछ ज़्यादा है शायद उससे पहले ही शायद तीन से चार माह में आपको सियालकोट सयालकोट मोटरवर्सिटी की साइड पर क्योंकि सारी लेवल ज़मीन है प्लेन ज़मीन है तो इस ज़मीन पे आके आपको जल्दी पोजेशन मिलने के 100 परसेंट चांसेज़ हैं रीज़न ये मैं बता दी कि डेवलपर जब तगड़ा होता है जब आप एक डेवलपर होता है उसकी रिप्यूट होती है उसका पास्ट में एक पहले मिशन होता है उसने पहले काम किया होता है तो ऑटोमेटिकली वो रिप्यूट आगे कंटिन्यू करते हैं उसके साथ रिप्यूटेशन के साथ उनके साथ मिस एप करने का उनके पास ऑप्शन नहीं होता तो ये वजह है कि सियालकोट मोटर सिटी आपको लेवल जमीन है और बहुत जल्दी आपको इसका पोजेशन मिलने की पोजिशन में आ जाएगा अभी प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ है यानी कि प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है सियालकोट के प्रिंसिस में जिसको कोई प्रोजेक्ट कोई इंडिविजुअल जानता नहीं है इस प्रोजेक्ट की मार्केटिंग इंडिविजुअल डील है दैट इज ग्रुप ग्रुप ऑफ ऑफ कंपनीज कंपनीज तो ने जब इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया तो निचली कोई भी नहीं जानता था लेकिन जब प्रोजेक्ट की साइड विजिट करते हैं तो आप ग्राउंड के लेवल जमीन देखते हैं साइडमेंट की, की तरफ से जो प्रोडक्ट लॉन्च किया है उसको सबसे अच्छी बात यह प्रोजेक्ट में विद एनओसी लॉन्च किया नंबर टू नंबर थ्री इसकी लोकेशन लोकेशन वाला पॉइंट पहले आता है ऑलरेडी सारा ऑब्जर्व कर चुके हैं क्या लोकेशन बनती है इसकी सेकंड एज किसके डिवेल्पर के कि डिवेल्परस का मास्ट डेवलपर है जिनका पाकिस्तान में एक नाम है एक रेपोटेशन है उससे पहले पास्ट में अपनी हैवी मशीनरी जो है वो इन हाउस मशीनरी है तो उनके लिए डिवेल्प करना एक छोटे से एरिया जिनकी पंद्रह सौ किनल की ज़मीन जो है उसको बहुत ज़्यादा आसान है तो अभी मैं आगे जाकर वीडियो में एड करूँगा चीज़ें कि मेन बुलेवेड जो है उस पर तरीबन आप कह लें कि वन एटी फीट की मेन बुलेवट है उस पर तकरीबन थ्री हंड्रेड मीटर तक जो काम है वो हो भी चुका है और उस पर एसफॉल्ट डल रहे हैं और आगे जाकर इन शाला मैं जब आने वाले दिनों में आने वाले हफ्त में इसकी मैं ट्राई करूँगा जो परली कॉपोटेड रोड की वीडियो होंगी वो भी आपके साथ शेयर कर दो कंप्यूट तो के लिहाज से लोकेशन के लिहाज से एंड ओवरऑल डिवेलपर के लिहाज से प्रोजेक्ट बड़ा सिक्योर है यह सालोट मोटरवे सिटी की सारी आपको मैं फोटेज दिखा रहा हूं तब आप लोग को बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके कि लोकेशन की एक्जैक्ट इंपॉर्टेंस जो है वो क्या है लोकेशन की इपॉर्टर्स से हट के अब दूसरा पॉइंट आता है कि डिवेलपर की इंपॉर्टेंस तो डेवलपर को उन्होंने बताया कि टेक्नो डिवेलपर्स आप गूगल कर सकते हैं या आप सियालकोट की डोमे में रहते हैं तो आपको वैसे ही आइडिया होगा कि टेक्नो डिवेलपर का पाकिस्तान में या पास्ट में क्या रिकॉर्ड है उनके पास हैवी मशीनरी इन हाउस काफी ज्यादा है तो इस वजह से उन्होंने काफी ज्यादा तेजी से इस प्रोजेक्ट को तो डेवलप करना स्टार्ट किया है और ये बात बड़े गट्स इस बात के लिए चाहिए कि आप छह महीने के अंदर आप यहां पर सकते हैं आमतौर पर सोसाइटी के अंदर इतने गट्स नहीं होते कि किसी भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करें तो ये इतने गट्स के साथ, के साथ कह दें कि हम इसको छह महीने में डेवलप कर देंगे और सबसे अच्छी बात है कि वो इसके लिए काफी कमिटेड है और साइड पर इस वक्त मशीनरी काम कर रही है मैंने वीडियो को स्टार्ट में कुछ टाइम लैप्स ऐड किए थे मैं आगे भी जाकर कुछ टाइम लैप्स ऐड कर दूंगा कि इस वक्त साइड पर जितना हैवी मशीनरी काम कर रही है तो मोस्ट प्रॉबली अगले अभी इस वक्त हम बैठे हैं मई 2022 में आने वाले आप कह लेंगे तीन माह चार माह में आपको प्रॉपरली साल मोटर सिटी की शेप नजर आना शुरू हो जाएगी तो ये डेवलपर की है कि डेवलपर एक अच्छा कमिटेड डेवलपर हो तो वो परफॉर्मेंस को कितना जल्दी इनहेंस कर सकते हैं कितनी स्पीड से उस काम को डिलीवर कर सकते हैं अब आते हैं जी थर्ड पॉइंट पर पहले दो पॉइंट इंपॉर्टेंट थे नंबर नंबर लोकेशन और एनओसी का मैंने स्टार्ट में बता दी कि सालकोट मोटर सिटी एनओसी अप्रूव प्रोजेक्ट है कोई इलिगल प्रोजेक्ट नहीं है अब आते हैं जी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इसमें प्राइसेस क्या ऑफर की जा रही हैं जिनकी बेस पे किसी इंडिविजुअल के लिए प्लॉट लेना फीजेबल है या नहीं है सियालकोट सिटी में पहले बात साइज ऑफ प्लॉट चार साइज ऑफर किए जा रहे हैं नंबर वन पाँच मरला प्लॉट पच्चीस बाय पैंतालीस इसके बाद आठ मरला प्लॉट तीस बाय साठ दस मरला प्लॉट पैंतीस बाय पैंसठ और अगर हम बात करें कनाल के प्लॉट की तो पचास बाय नब्बे कनाल मरलों में क्योंकि पंजाब साइड पर ज़मीन ज़्यादा मरलों में होती है वैसे यार्ड्स में बात करें एक सौ पच्चीस गज का प्लाट दो सौ गज का प्लाट और इसके अलावा दस मल्ह का प्लाट ढाई सौ गज का प्लाट और कनाल के प्लाट बात करें तो पाँच सौ गज का प्लाट ये तीन ये चार साइजेस ऑफर किए जा रहे हैं तो रेट्स जो हैं सियालकोट मोटरवे सिटी में वो है साढ़े आठ लाख रुपया पर मरला ये इसका लॉन्चिंग प्री लॉन्च रेट था सियालकोट मोटरवे सिटी का तो आपने लट से कोई भी प्लाट लेना है तो उसके बारे में आप कैलकुलेशन कर सकते हैं पाँच मल्ले के प्लाट में इंटरेस्टेड है तो पाँच मल्ले का प्लाट जो आपको पड़ता है आठ लाख पचास हज़ार मट्टीपाई पाँच तो आपको पड़ता है बयालीस लाख पचास हज़ार रुपये का और आप ट्वेंटी परसेंट डाउन पेमेंट प्लॉट बुक कर सकते थे अभी चूंकि इसकी आगे मैं स्टैंड बताता हूँ क्या स्टेटस है लेकिन ये इसका इनिशियल ट्वेंटी परसेंट बुकिंग जो प्लॉट की बनती थी वो ये थी अगर हम बात करें आठ मला प्लाट की तो आठ मला प्लाट का जो रेट बनता है टोटल वो बनता है आपका मैक्स कहता हूँ आठ एट इन तो रिजल्ट इज़ सिक्सटी तो आपको अठासठ लाख का प्लॉट जो आठ का प्लॉट पड़ता है दस मरला का प्लॉट यहाँ पे पचासी लाख रुपए के और कनाल का प्लॉट जो है वो आपको पड़ता है आप इसको डबल कर लें एक करोड़ सत्तर लाख रुपया तो आपको टोटल जो आपकी प्राइस बनती है वो वन सेवेंटी यानी कि आपको प्री लॉन्च रेट नॉन डेवलप प्लाट सैलकोट के प्रेमिस में इंस्टॉलमेंट पर तीन साल की ट्वेंटी परसेंट डाउन पेमेंट के साथ आपको इस प्राइस में आज के डेट में अवेलेबल है ये तो था प्री लॉन्च रेट जब लॉन्च किए गए थे बैक इन रमज़ान अभी जो रेट्स हैं यहाँ पे आपको पर प्लॉट जो प्रॉफिट पे करना पड़ेगा बाय करने के लिए ट्वेंटी प्लस प्रॉफिट क्योंकि सैलकोट में क्योंकि लिमिटेड इवेंट्री थी टोटल 427 प्लॉट थे विद था लोकेशन आपको मैंने एक्सप्लेन कर दी कितनी अच्छी लोकेशन थी तो इस लिहाज से अभी यहां पे मार्केट में आपको साढ़े पांच लाख से पांच साढ़े पांच लाख स्टार्टिंग प्राइस है छोटे प्लाट्स की जो पांच मला के प्लॉट हैं पांच साढ़े पांच लाख प्रॉफिट पर आपको एवरेज प्लॉट मिलता है जो बड़े प्लाट्स हैं किनाल के और दस मला के प्लाट्स उन पर एवरेज प्रॉफिट आपका सात से लेकर साढ़े लाख रुपए एवरेज प्रॉफिट है आज की डेट में एक और चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है किसी भी सोसाइटी के लिहाज से कि जब ये डिलीवर करेंगे तो किस तरह की हाई एंड सोसाइटी होगी या नॉर्मल सोसाइटी होगी अब इस प्रोजेक्ट की एक अच्छी बात है जो बहुत ज्यादा अच्छी बात है इस प्रोजेक्ट की बैक साइड पर बहुत सारी जमीन शिफा हॉस्पिटल और शिफा जो अपने उनके एम्प्लॉयज़ होंगे उनके लिए रिजर्व है तो डेफिनेटली जब वहां पर एक सोसाइटी का प्रॉपरली कम्यूट के लिए वजीराबाद रोड से उसका एक्सेस पॉइंट बनेगा अंडर बनेगा और आगे आप मेन ब्लेवट देख रहे हैं अच्छा जस्ट फॉर द रेकड ये सोसाइटी आज से तीन हफ्ते चार हफ्ते पहले लॉन्च हुई है यानी प्री लॉन्च डेट से चार हफ्ते पहले लॉन्च हुए थे इससे पहले प्रमोट करके इसको मौका नहीं क्योंकि इतनी लिमिटेड इन्वेंट्री थी यानी टोटल जो इन्वेंट्री थी प्लॉट थे time, अभी पे अगर आप देखें विजिट करते हैं तो प्रॉपरली दो कमर्शियल बिल्डिंग की साइट का अपना हेड ऑफिस साइट पर बहुत जल्दी मूव कर दिया जाएगा तो इसलिए, इसलिए इसकी लोकेशन जो है उसको इंपॉर्टेंस और प्लस जो साइट पर डेवलपमेंट हो रही इसकी है इतनी अच्छी स्पीड के साथ अगर डेवलप करेंगे तो इतना छोटा सा प्रोजेक्ट है तो छह से आठ महीने बहुत ज्यादा टाइम है डेवलप करने के लिए शायद इससे पहले डेवलप हो जाए तो सियालकोट मोटरवे सिटी की ये जो मैंने आपको चीजें एक्सप्लेन की हैं ये सारी ऑन ग्राउंड फैक्ट्स हैं कोई भी इंडिविजुअल चाहे तो जाकर इट्सल्फ साइट पर देख सकते हैं अगर आपने रमजान में विजिट किया होगा तो अगर आप आज विजिट करते हैं तो जो आपको फुटेज नजर आ रही है इसमें आपको प्रॉपरलीप होपफुली मोस्टली पार्ट पे जो कार्पेटिंग नजर आ चुकी होगी साइट पर जो सेल्स पार्टनर है उनके ऑफिस ऑपरेशनल होने जा रहे हैं नेक्स्ट वीक से इसके अलावा जितनी चीजें जितनी एक्टिविटी साइट पर हैं वो तमाम के तमाम काफी ज्यादा स्पीड से जारी हैं तो सियालकोट मोटरवे सिटी क्या सेफ प्रोजेक्ट है तो जो सेफ्टी

मोटरवे इज़ द सिंबल ऑफ़ एक्सेल्स के मोटरवे को लोग एक सिग्नल यूज़ करते हैं कि मोटरवे के साथ सब अच्छा है तो सेकंड पॉइंट आ जाता है आपका डेवलपर तो मैंने लोकेशन का बता दिया कि सियालकोट मोटरवे की सिटी की जो लोकेशन है वो इतहाई प्राइम लोकेशन है मोटरवे से एडजस्टेंट है आपको मोटरवे से साइड नजर आती है और साइड से मोटरवे नजर आती है इतनी एडजस्टेंट लोकेशन है हाँ इसका मोटरवे पर इंटरचेंज बिल्कुल नहीं है मैं मैं वीडियो में एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि इसका इंटरचेंज इसका जो फ्रंट बनेगा वो बनेगा वजीराबाद रोड पर मोटरवे से उतरने के बाद और अगर हम बात करें सेकंड पॉइंट की डेवलपर की तो मास डेवलपर्स का पाकिस्तान में एक नाम है आप इसे गूगल कर सकते हैं में सियालकोट में जो आपके जानने वाले हैं उनसे पूछ सकते हैं कि मास डेवलपर क्या हिस्ट्री है तो इसलिए मास डेवलपर का प्रोजेक्ट है तो इट्स सेल्फ ओन प्रोजेक्ट है यानी कि कोई थर्ड पार्टी प्रोजेक्ट नहीं है कि लैंड किसी की है बना कोई रहा है बेच कोई रहा है इस तरह चीज़ें नहीं है इस प्रोजेक्ट में हर एक चीज सिंगल सिंगल एंटिटी के हिसाब से चलता है यानी लैंड जो है वो तमाम के तमाम लैंड जो है वो टेक्नो ग्रोप मास डेवलपर्स की है इसको एनओसी जो है अप्रूव्ड है डिवेलप इसको मास डिवेवलपर कर रहा है और एक एंटिटी जिसके थ्रू ये सारे प्लॉट सेल किए गए हैं उसका नाम है फाइव ग्रुप ऑफ कंपनीज तो इस तरह तमाम का तमाम प्रोजेक्ट जो है वो सिंगल हैंडेडली सोल्ड आउट हुआ है और तमाम के तमाम कम्युनिटीज़ जो फैसिलिटीज़ यहाँ पे होंगी इवन तो मार्केट का रेट जो सेट हुए हैं इसलिए हुए हैं कि इतनी लिमिटेड इन्वेंट्री थी कि आपको प्लॉट मार्केट में ढूंढने के लिए बड़ी तकदो करनी पड़ती है इतना आसानी से आपको सालकोट मोटरवर्सिटी का प्लॉट मार्केट में रीसेल में नहीं मिलता तो ये रीज़न है कि सालकोट मोटरवर्सिटी बहुत जल्दी पाँच से साढ़े लाख प्रॉफिट पर चला गया और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि ये जैसे जैसे डेवलपमेंट होगी विद द पैसे टाइम साइड पे ऑफिस ऑपरेशनल होंगे तो ये प्रॉफिट जो है आपको 25 30 लाख 35 लाख तक नजर आएगा यह सियाकोट मोटरवर्सिटी की आज की डेट का ऑन ग्राउंड स्टेटस है सो दिस इट फ्रॉम अगर आपको सियालको मोटरवर्सिटी में बुकिंग के लिए कुछ मालूम चाहिए हो तो मेरा नंबर आप स्क्रीन पर अवेलेबल है मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं इसके अलावा अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज डू लाइक कमेंट एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें रिजवान चीमा को दीजिए इजाजत अगली वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज